जहाँ तक हमारे बच्चों के ऊपर दो तीन केसेस होते जो है ना उनके ऊपर पीडीएक्ट खुल जाता है, रिमांड भी कर रहे थे उसके दो कई मरतबा वो रिमांड हुआ उसके ऊपर रोगी शिविर है, आप लोगों को नहीं मालूम कि ऊपर रोगी शिविर है। अभी इतना बड़ा एमएलए बन के भी रोगी शिविर ये सब बातों में होता है। दूसरी चीज़ साहब, फिर इन्होंने इनके ऊपर एक ऐसी इंक्वायरी भी डाउन की कहा कि एजेंट है। मेरे हिसाब से तो इन्होंने जो है ना पाकिस्तान के एजेंट है जो इंडिया का जो है ना माहौल खराब करने के लिए आए हुए हैं। इनके साथ और एक चार लोग ऐसे हैं जो इंडिया का माहौल खराब कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान शर्मा जो है ना कोइंसिडेंटली बोले डिबेट में प्रेशर डाले कि ऐसा कानून बनाया जाए किसी भी रिलीजन के खिलाफ कोई भी इंसान ना बोले जिसकी वजह से हिंदू गन्ना जनी तहजीब के अंदर फसाद होता हो। हिंदू मुसलमान जब सिख ईसाई मोहब्बत से रहे अमन से रह रहे हैं तो हमें भी एक ऐसा कानून बनाना चाहिए असेंबली के अंदर भी सेक्शन के अंदर पास करके कि उसको पीसफुली रह सके किसी की बिलखसूस नलीबेट मंडल में जो पीसफुल माहौल है खराब करने की कोशिश इन्हें हमेशा करते हुए आया। रिसेंटली आगे गया था इन्हें तो इसको बैन करना एक हमारी नलीबेट मंडल में ऐसे लोगों को बैन करना जबकि कोई भी होंगे ये एक कम्युनिटी के कोई भी कम्युनिटी के जो कम्युनल इश्यूज कर सकते उनको बैन कर देता हमारे लिए। राजा सिंह के ऊपर अभी एक कंप्लेंट दी गई और एमआरओ ऑफिस पहुंचकर एमआरओ साहब को मेमोरेंडम दिया गया। आज हम यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। आज हमारे को दिली तकलीफ हुई है कि हमारे शान में गुस्ताखी हुई। आज हम तेलंगाना गवर्नमेंट चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करते हैं कि ऐसे राजा सिंह जैसे लोगों को एक अच्छे एक्ट लगाते हुए इनको सलाखों के पीछे कर देना चाहिए क्योंकि आगे चलकर कोई भी शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोल सके। आज हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी का आलम है। आज ये माहौल बन चुका है कि आज हिंदू मुसलमान ये बीजेपी वाले ये जो शर फैलाना चाह रहे हैं इनकी ये गंदी सोच इनकी गंदी जहरीली पॉलिसी की वजह से आज लाइन ऑर्डर को प्रॉब्लम हो रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज हमारे मुसलमानों को दिली तकलीफ हुई है। हमको ठेस पहुँची है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया। क्या ये राजा सिंह को इसका अधिकार है कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल सकता? इसकी कोई औकात नहीं है। राजा सिंह कोई एक गंदी नाली का कीड़ा जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि आज हमको कानून हमको इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है वरना हम अपने हाथों से उसको सजा देते थे। लेकिन आज हम संविधान पर भरोसा कर रहे हैं। हम भरोसा कर रहे हैं कि इस वजह से कि कानून उसको अच्छे से अच्छे एक्ट लगाकर उसको जेल में डाले उसको एक ऐसी सजा दी जाए कि जिसकी वजह से आइंदा कोई भी शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ गाली गलौज करने से पहले उसकी रूह कांप उठे। आज हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं नवीपेट में। आज हम जो सो माइनॉरिटीज की जानिब से एमआरओ साहब और एसए साहब को लेटर दिए हैं। आज हम पुरामन तरीके से आज हम एहतजाज कर रहे हैं। हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाह रहे, गांव का माहौल खराब करना नहीं चाह रहे। गांव में अमन शांति हम बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि हमारा भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। ये राजा सिंह क्या जाने कि मुसलमान क्या चीज़ है। मुसलमान हिंदुस्तान से वफादारी कर सकता है, हिंदुस्तान से वफादार है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जितनी मोहब्बत अपने मजहब से करो उतनी ही मोहब्बत अपने मजहब से करो उतनी ही मोहब्बत अपने भारत से करो। जिस मजहब में जिस भारत में हम रह रहे हैं उससे उतनी ही मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये राजा सिंह नहीं जानता कि हिंदुस्तान में हम रहने वाले मुसलमान क्या हम जो सो संविधान पर भरोसा कर हम अपने गुस्से को पी रहे हैं। अब हम जो सो तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमको इंसाफ दिलाया जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।